गाइस, हम लोग मुंबई आ चुके हैं और अभी हम बोरीवली स्टेशन पे हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम सब लोग वेट कर रहे हैं अभी ऑटो और या ओला चलने का। सो अभी सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये देखिए यहाँ का स्टेशन। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के आ गए हैं यहाँ पर। सो चलो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। बेकार लग रहा है, सच्चाई तो ये है, ये तो झूठ बोल रही है। फाइनली 32 आवर्स की जर्नी के बाद हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बोरीवली। नहीं पर हमारे टाइम बिफोर है, ऐसा नहीं लेट है, इवन नॉट ऑन द टाइम बट बिफोर हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि मुंबई का टाइम उसका जो है वो 9:30 बजे का यहाँ पर है, तो हम लोग बिफोर टाइम, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अभी किसका वेट कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग अभी वेट कर रहे हैं मॉर्निंग होने का, सुबह होने का, बहुत मतलब रात में अर्ली में है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि सुबह हो जाए, दिन निकल जाए, तो हम कुछ कुछ देखते हुए चले यहाँ से। हाँ, जहाँ हमें जाना है फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो में बने रहें और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर करिए। सो गाइस, चलो चलते हैं वड़ा पाव लेने यहाँ का। चलो ले लिया भैया, चलो चलते हैं। तो गाइस, हमने वड़ा पाव ले लिया है। यूहू, टेस्टी टेस्टी। सो फाइनली गाइस, हमने वड़ा पाव भी ले लिया है, चलो अब इसको खा के देखते हैं। अच्छा है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं, अभी सबका वेट कर रहे हैं नीचे आने का, तो मैं दिखाती हूँ आपको। चलो भाई, चाकू हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बीच। सो गाइज, अभी हम लोग गन्ने का जूस पीने आए हैं यहाँ पर और ये देखिए सबने लाइन लगा रखी है यहाँ पर। मुंबई का गन्ने का जूस, वो भी स्पेशल वाला। सो कैसा लग रहा है हमारे साथ घूमकर अदिति? हमारे साथ घूम के बहुत अच्छा लग रहा है।
तो आज गाइड हमारे साथ अदिति हैं जो हमें मुंबई घुमा रही हैं, और साथ में गोलू भाई भी है। ये बर्फ लगाई है क्या? हाँ भाई, बर्फ मत लगाना है। तो गाइस गन्ने का जूस आ गया है हमारा। तो चलो गाइस चलते हैं अब रेलवे स्टेशन।
चलो मैं दिखाती हूँ बाबा का चादर लेना कपड़ा नाइट कीता थैली लेके आ हम अब अंदर आ चुके हैं और गाइस सामने देखिए वो है हाजी अली दरगाह। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए दरगाह को। और आसपास देखिए हमारे साथ बहुत ही बड़ा पोपट हुआ है, यहाँ पर पानी ही नहीं है आसपास। तो इस ये देखकर सभी का मूड ख़राब हो चुका है अभी। तो चलो चलते हैं कहीं और, मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। हम लोग कोरेगांव चौपाटी आए हैं अभी यहाँ पर। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा, आइए देखते हैं। तो ये है व्यू यहाँ का। ये है चौपाटी। सो गाइज ये है मुंबई की खूबसूरती। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं आगे। देखिए और ये शायद समुंदर में से भी आया है कुछ कुछ चीज़ें। कुछ ज़्यादा साफ नहीं है यहाँ पे, साफ है। आगे जाके ना पैर में वो चुभेगा। ध्यान से जाना चुभेगा। गाइस देखिए यहाँ की बीच कैसा है, मुझे पसंद नहीं आया। पूजा दीदी कैसा लग रहा है? रियल रिव्यूज देना, रियल रिव्यूज देना, रियल कैसा है? भाभी की मत बना। पूजा दीदी और सिमरन और भाभी ये लोग फर्स्ट टाइम आए हैं बीच देखने और इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा। पता है ये मेरे को, चुभ रहे हैं मेरे पैर में बहुत ज्यादा। कीड़े नहीं है ये, कैसे घास है ये? घास है तो माला का चुस्की है। समुद्र में से गंदगी गंदगी आई है। वाओ ये ना खाना है, पानी कीचड़ वाला है। अच्छी कच्ची कीचड़ नहीं है, बदबूदारी है अभी तेरा। गाइस यहां का पानी गंदा है। आ जाओ
जाकू यहाँ पे मस्ती करने के लिए टॉयज लेके आया अपने, और चीजू पानी भरने गए हैं उसके लिए। ताई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पानी गंदा है। एक चीज बहुत ही अच्छी है यहाँ की, यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और सभी लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और सभी लोग अपनी फैमिली के साथ पिक्स क्लिक कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। कंटिन्यू करते रहना, आप सारे एक साथ आ जाओ, आप भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ।